गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। तो अभी देहरादून में हूँ और मैं अभी आया हूँ टपकेश्वर महादेव टेम्पल में। और रात को मैं देहरादून में था और सुबह बस यहाँ पर आया। अभी अभी आपको दिखाता हूँ मंदिर कहाँ पर है। और मेरे साथ ये जसमेर सिंह जी हैं मेरे साथ। और अभी हम मंदिर में आए हैं, अभी दर्शन करेंगे और आपको भी करवाते हैं दर्शन। चलो मंदिर में चलते हैं आगे। यह है मेन गेट यहाँ का। अभी नीचे जाना है और नीचे शिवलिंग है जहाँ पर पहाड़ से पानी टपकता है। थोड़ी सीढ़ियाँ हैं, नीचे जाके देखते हैं। अभी ये सीढ़ियाँ हैं, लगभग होंगी 100-150 मीटर। चलो नीचे जाके मिलते हैं अभी। और ये नीचे इसका मेन गेट है और ये पहाड़ भी है साथ ही में जहाँ से पानी टपकेगा इस पे। तो यहाँ पर वाटर है, बिल्कुल क्लियर वाटर। चल चढ़ जा सीढ़ियाँ। तो ये सीढ़ियाँ हैं, अभी उधर दूसरी तरफ जाएंगे, वहाँ पर भी मंदिर है, माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर टपकेश्वर। और साथ में ये हनुमान जी की काफ़ी बड़ी मूर्ति है।
बहुत ज्यादा जी। छोटी गुफा है, जी। नीचे बैठ के जाना पड़ेगा यहाँ से। गोवर्धन प्रभु की जय जय हो। तो ये कृष्ण भगवान जी हैं जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया हुआ है। श्री हनुमान गुफा मंदिर मार्ग का निर्माण और यहाँ से अब एग्जिट गेट है, तो अभी बाहर जाएंगे। यहाँ से और आगे पूरा जंगल है। तो टपकेश्वर महादेव मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ पर द्रोणाचार्य गुरुजी ने तपस्या की थी और भगवान शंकर ने उनको यहाँ के दर्शन दिए थे, और जो उनके पुत्र थे अश्वत्थामा उन्होंने भी यहाँ पर तपस्या की। उसके बाद लगभग 6 महीने तपस्या की है, और उसके बाद यहाँ पर जो शिवलिंग है ना उस पर दूध टपकता था पहले, पर अब पहाड़ से पानी टपकता है वहाँ। तो बस चलते हैं यहाँ से वापस। बहुत अच्छा लगा यहाँ के सुबह सुबह दर्शन किए। यही वो स्थान है जहाँ अश्वत्थामा ने भगवान शिव की आराधना की, 6 महीने तक तपस्या की, और 6 महीने के बाद परमात्मा ने, भगवान ने उनको अजर और अमरता का वरदान दिया, और उस समय शिवलिंग से दूध की धार बहने लगी। पर जैसे जैसे कलयुग का आगमन होता चला गया तो दूध का जो इस्तेमाल था वो बहुत ही गलत तरीके से होने लगा, और आज उस दूध की जगह पर यहाँ पर पानी की बूंदें टपकती हैं। तभी से जब से यहाँ पे दूध टपकने लगा था तभी से इस स्थान का नाम टपकेश्वर महाराज पड़ गया। तो चलते हैं आगे, मंदिर के दर्शन हम कर चुके हैं, अभी हम बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं और देखते हैं मंदिर के आसपास और क्या है। अगर कुछ अच्छा है तो वो दिखाएंगे, नहीं तो इस वीडियो को फिर यहीं पर ख़त्म करते हैं। अभी थोड़ी सीढ़ियाँ हैं, ऊपर जाएंगे। अभी सीढ़ियाँ हैं, ऊपर जाना है अभी सीढ़ियाँ चढ़ के, लगभग 100 या 150 मीटर होंगी। और यहाँ पर और भी मंदिर है साइड में। तो यहाँ साइड में ही पार्क है, बहुत अच्छा है। अभी दिखाते हैं पार्क के अंदर। और ये लिफ्ट भी है, जो लोग सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते या उतर सकते तो वो यहाँ लिफ्ट से जा सकते हैं मंदिर में। तो चलो बस चलते हैं वापिस अब।